नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के गांव में संचार व्यवस्था आए दिन लड़खड़ाने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने शीघ्र व्यवस्था में सुधार किए जाने की मांग की है। क्षेत्र के कांग्रेसी नेता खेमराज जोशी ने कहा कि बीते लंबे समय से क्षेत्रवासी संचार व्यवस्था में सुधार की मांग करते आ रहे हैं, पर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस कारण क्षेत्र के आधे दर्जन से अधिक गाँव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि ग्रामीणों को नेपाल की सिम रखनी पड़ रही है, जिससे बात की जा रही है। उन्होंने समस्या के समाधान को लेकर एक पत्र बीएसएनएल के अधिकारियों को भी प्रेषित किया है। कांग्रेसी नेता जोशी ने व्यवस्था में शीघ्र सुधार न होने की दशा में सभी क्षेत्रवासियों को साथ लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान में स्वर्गीय ठाकुर देव सिंह चंचल सिंह बिष्ट मालदार चल बैजयंती फुटबॉल प्रतियोगिता जारी है। प्रतियोगिता में आज मंगलवार का मैच देव सिंह ट्रेनी व हिमालया पब्लिक स्कूल के मध्य खेला जाएगा। बीते दिवस का मैच फुटबॉल क्लब नैनी व बलदान इलेवन के मध्य खेला गया, जिसमें फुटबॉल क्लब नैनी की टीम ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए 2-0 से मैच जीत लिया। मैच के मुख्य अतिथि रमेश चंद पुरेणा ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच शुरू करवाया। मैच में निर्णायक नवीन खत्री, सह निर्णायक मनीष एवं सुमेर महर और उद्घोषक भूपेंद्र चौहान थे। बीते लंबे समय से एचोली क्षेत्र के चंद्रभागा नदी में पुल की मांग पूरी हो गई। बीते दिवस पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत ने नवनिर्मित पुल का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों की समस्या को देखते हुए की जा रही मांग के चलते इस पुल का निर्माण कराया गया, जिससे अब क्षेत्रवासियों की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस मौके पर सभासद महेश पांडे, अनिल मेहरा, ललित मोहन, अनिल जोशी, विजेंद्र मेहर, दिनेश कापड़ी सहित कई लोग मौजूद थे। संचालन रमेश मेहर द्वारा किया गया। पुल निर्माण कराए जाने को लेकर क्षेत्रवासियों ने पालिका अध्यक्ष का आभार भी व्यक्त किया है। पिथौरागढ़ नगर पालिका द्वारा किराए पर दिए गए भवनों में निर्माण कार्य की जांच व कार्रवाई की मांग को लेकर नगर पालिका सभासदों द्वारा दिया जा रहा धरना आज मंगलवार को भी जारी रहा। सभासदों ने मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। धरना देने वालों में पवन मेहरा, कमल पांडे, रविंद्र बिष्ट, किशन खड़ायत, सरस्वती मखौलिया, भावना नगरकोटी, पूर्व सभासद चंद्रशेखर मखौलिया आदि शामिल थे। पिथौरागढ़ के स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी छात्रवृत्ति योजना के तहत सोमवार को शुरू हुए जनपद स्तरीय ट्रायल में 8 विकासखंडों के 330 बालक व 303 बालिका, कुल 633 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। उपजिलाधिकारी सुंदर सिंह की मौजूदगी में इवेंट कराए गए। उपजिलाधिकारी ने चयन समिति के सदस्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ क्रिया को संपन्न कराने की बात कही। इस मौके पर प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रताप सिंह, निर्मल भट्ट, सतीश कुमार, विक्रम डिकारी, भूपेंद्र चौहान, चंद्रमोहन बिष्ट सहित अन्य लोग मौजूद थे। राजस्थान में एससी छात्र की मौत के मामले में यहां एससी एसटी के विभिन्न संगठनों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। संगठन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने घटना की निंदा करते हुए शीघ्र संबंधित शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने मृतक बच्चे के परिजनों को 5 करोड़ का मुआवजा दिए जाने सहित 5 सूत्री मांगों का एक पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को प्रेषित किया है। पत्र सौंपने वालों में अम्बेडकर संयोजन समिति के महासचिव कैलाशनाथ, जिलाध्यक्ष अनिल कुमार, प्रमोद टमटा, गिरीश प्रसाद, कैलाश घासीकोटी, गोविंद बौद्ध, प्रवीण कुमार, बीआर कोहली, संजय कोहली सहित दर्जनों सदस्य मौजूद थे। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के नगरपालिका चौक पर तैनात यातायात कर्मी हरीश लटवाल व सेलथाम में तैनात अर्जुन आर्या को ड्यूटी में सराहनीय कार्य करने को लेकर सम्मानित किया गया। दोनों यातायात कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाना था, पर किन्हीं कारणों से कर्मी समारोह में शामिल नहीं हो पाए। दोनों कर्मियों को तहसीलदार पंकज चंदोला द्वारा सराहनीय कार्य को लेकर बीते दिवस प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और शुभकामनाएं दी गई। पिथौरागढ़ जिले के धार्मिक, पर्यटन व सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी करने, शराब पीकर हुड़दंग मचाने व मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान मिशन मर्यादा के तहत पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत नगर के कुंवर तिराहे पर आरोपी आशीष कुमार को ढाबे में शराब पिलाने व बेचने पर 38 पौवे अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपी के कब्जे से 46,950 रुपये भी बरामद किए गए। जाजर देवल क्षेत्र के रई के निकट आरोपी मनोज सिंह को शराब पिलाने व बेचने पर 32 पौवे अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। थल के माटा सीमा मसमोली में आरोपी नारायण गिरी को 5 लीटर कच्ची शराब के साथ पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त जिले भर में 40 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस व कोटवा अधिनियम में चालान की कार्रवाई की गई। इधर थल क्षेत्र के
मलसीमा में थानाध्यक्ष हीरा सिंह डांगी के नेतृत्व में अवैध रूप से 3 नाली भूमि में की जा रही अवैध भांग की खेती को नष्ट किया गया। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने अभियान लगातार जारी रखने की बात कही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 156 वाहन चालकों का चालान कर 3 वाहन सीज किए व 2 वाहन चालकों के DL निलंबन की कार्रवाई की गई। थानाध्यक्ष कनाली सिन्हा, जावेद हसन व पुलिस टीम द्वारा अवैध रूप से रेता परिवहन करने पर 1 वाहन को सीज किया गया। नगर के केमो स्टेशन के निकट इंदिरा पार्क में धूम्रपान करते मिले नाबालिग बच्चों की उपनिरीक्षक प्रदीप यादव द्वारा बाल थाने में काउंसलिंग की गई। साथ ही बच्चों के परिजनों को बुलाकर उन्हें नशे के दुष्परिणामों को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही परिजनों को अपने बच्चों का ध्यान देने की बात कहकर उनके सुपुर्द किया गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।